तंजौर में एक महिला कांस्टेबल ने जो सुसाइड किया था उसकी बात अब हम करते हैं, अपडेट देते हैं आपको। इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है और आपको बता दें कि महिला कांस्टेबल का शव राजकीय अस्पताल की मॉर्चरी में रखा है। शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है और परिजन जेएसपी सहित चार लोगों के निलंबन की मांग पर अड़े हुए हैं। साथ ही परिजनों सहित बड़ी संख्या में लोग धरने पर बैठे हैं। दरअसल महिला कांस्टेबल गीता बिश्नोई ने सुसाइड नोट में जीएसपी थाना अधिकारी और एक महिला कांस्टेबल पर गंभीर आरोप लगाए थे। वही आत्महत्या से पहले जीएसपी ओम प्रकाश उज्जवल को चार बार फोन भी किया गया था। शिकायत की गई थी इस महिला की तरफ से। हालांकि मामले में थानाधिकारी पुष्पेंद्र वर्मा को एसपी केसर सिंह शेखावत ने लाइन हाजिर किया। वहीं एक हेड कांस्टेबल और एक महिला कांस्टेबल को भी थाने से हटाया गया। साथ ही परिजनों की रिपोर्ट पर डीएसपी सहित चार के खिलाफ आत्महत्या के नुकसान का मामला भी दर्ज किया गया है। और उधर कानून व्यवस्था को लेकर एसपी केसर सिंह ने बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात किया है और पूरा शहर छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अपडेट के साथ हमारे सहयोगी नूरा राम हमारे साथ जुड़ गए। नूरा, अभी क्या कुछ स्थितियां, क्या अभी भी गतिरोध बरकरार है या फिर मना लिया गया है परिजनों को? अभी भी तनाव की स्थिति दस की दस बनी हुई है। अभी भी शव राजकीय अस्पताल की मॉर्चरी में रखा गया है। आज दूसरा दिन है और आत्महत्या का तीसरा दिन है। तीन दिन से शव पड़ा है, अभी तक पोस्टमार्टम तक नहीं हो पाया है। और कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। बड़ी संख्या में कई थानों के अधिकारियों को तैनात किया गया है। एएसपी विजयराम मीणा को ये जिम्मेदारी दी गई है कानून व्यवस्था को लेकर। एएसपी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एसपी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और बड़ी संख्या में आज इनका जिस तरीके से बात आए कि कल अपील की गई थी तो आज यहाँ पे लोगों का पहुँचना शुरू हो गया और अभी तक बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुँचे हैं। तनाव जब का खत बना हुआ है और स्थिति धीरे धीरे बिगड़ सकती है अगर इसे संभाला नहीं गया तो। जी, लेकिन अब दिक्कत क्या है परिजन, अब क्या मांग कर रहे हैं, क्योंकि कार्रवाई तो की गई है अभी तक? परिजनों की ओर से एक ही मांग, कल से एक ही मांग की जा रही है कि डीएसपी ओम प्रकाश उज्जवल जिन पर आरोप लगे हैं उनको निलंबित किया जाए। लेकिन निलंबित की प्रक्रिया है वो अभी आचार संहिता चल रही है और आचार संहिता में एसपी केसर सिंह शेखावत का कहना है कि इसमें हमारे विभाग की ओर से कार्रवाई नहीं की जा सकती। हमारे विभाग की ओर से जो रिपोर्ट मिली है वो आगे उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है और अब ऐसे में इलेक्शन कमिश्नर का मामला आ जाता है तो उनकी ओर से क्या निर्देश होंगे उसके बाद ही कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन परिजन और लोग हैं वो अड़े हुए हैं कि जो डीएसपी ओम प्रकाश उज्जवल उन्हें तत्काल निलंबित किया जाए, जिसके बिना हम यहाँ से उठेंगे नहीं, सबको निभाएंगे। और लगातार इस मांग को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू है, सब अभी भी राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखा हुआ है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।